Good morning, students. How are you? I hope you must follow lockdown. I request you all keep using your time. Okay? Today I am going to discuss Euclid's division algorithm. Write down the definition of Euclid's division algorithm. It is a technique to compute the LCF of two positive integers. यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज है वो क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएफ फाइंड आउट करते हैं, किसके हेल्प से, लेमा के हेल्प से। अब थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है, नोट करना चाहते नोट कर लो। लेमा मींस इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर, ये इट इज ट्रू फैक्ट। एंड एल्गोरिथम मींस a series of steps to solve a particular problem. ये problem solve करते हैं या सीए find out करते हैं तो by step करते हैं, उसी को हम कहते हैं Euclid's division algorithm. अब जैसे मैं example लेता हूँ जो already lemma बता चुका हूँ, lemma है क्या, a is equal to b की प्रसार, 0 less than equal to r less than b. ये statement आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि exam में कभी कभी one marks में आता है। अब यहां पर जब एससीएफ फाइंड आउट करते हैं, सपोज करो ए और बी का हमें एससीएफ निकालना है, कुछ कंडीशन है कि जैसे इफ आर इज इक्वल टू जीरो तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। मतलब ऐसे देखो ना, ए में बी का डिवाइड करेंगे तो ये क्यू होगा, नीचे क्या हो गया आपका, जीरो। इसका मतलब ये हुआ, इफ ये रिमाइंडर जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइजर विल बी एससीएफ ऑफ ए एंड बी। अब इस पर क्वेश्चन बन सकता है, चाहो तो नोट कर लो, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए इज इक्वल टू बी क्यू देन फाइंड एलसीएफ, आंसर क्या होगा, बी होगा। अब दूसरा कंडीशन है कि इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आर जीरो नहीं है तब क्या करते हैं, तो इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल रिमाइंडर जीरो, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो उसी को कहते हैं कि एल्गोरिथम, ये कुछ डिविजन एल्गोरिथम के यूज से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यस। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एलसीएफ ऑफ 135 एंड 225। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये सॉल्यूशन है आपको, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कई लोग गलती करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं, रंग है ये, क्योंकि हमें यूज करना किसका, लेमा का, लेमा लिखते हैं यहां पर। अब यहां साइड में, राइट साइड में आप चाहो तो डिवीजन मेथड से आप एलसीएफ ऐसे निकाल लो, उसी को यहां शिफ्ट कर 225, यहां कितना हो गया 135 रिमाइंडर जीरो हो गया। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, इंप्लाइज दैट पहला वाला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू 1 प्लस रिमाइंडर 90,
पहला स्टेप हो गया, सेकंड 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर देखो तीसरा कर स्टेप, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जब 0 आता है तो वही क्या करते हैं स्टॉप। आप लिखोगे अगर ये यहां पर 0 आ गया तो ये 45 क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा, एससीएफ होगा। हेंस किसका एससीएफ, हेंस हेंस एससीएफ ऑफ 135 225 इज इक्वल टू कितना, 45। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन डिवाइड, इसी बारे डिवाइड भी सीख जाएंगे, तमाम बड़े बड़े डिजिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है थ्री नंबर्स दिया रहता है, आप होमवर्क नोट कर लो एक क्वेश्चन, उसको मैं हिंट दे रहा हूं कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द एससीएफ ऑफ, फाइंड द एससीएफ ऑफ 420 4052 एंड 12576। अब थ्री डिजिट का, अब इसमें देखो सबसे पहले जो यूज करते हैं, ये बता रहा हूं कि जैसे इन दोनों का इस प्रोसेस से जो बताया हूं, इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो एससीएफ कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद फिर जब इसका निकल गया तो इसका और इससे लेंगे, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, 420 इज इक्वल टू अगेन, अगेन लिखेंगे, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, 4 divisions lemma। वो प्रोसेस तो मैं नहीं लिखा हूं, ये आपको करना है। जो थ्री डिजिट का है तो टू का तो हो गया, आंसर भी बता दिया, आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सॉल्व है। अब उसके बाद जो तीसरा वाला डिजिट है उसको हम यूज करेंगे, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, 420 इज इक्वल टू, आप चाहो तो यहां रफ डायग्राम 420 में 4 का डिवाइड करेंगे, 14 कैंसिल 2 कम है 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 शिफ्ट करेंगे 4520। अब इसको यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, 4 × 105 + 0, हेंस एससीएफ ऑफ 420, 450, 4052, 12576 इज इक्वल टू कितना होगा, 4। ये हमारा आंसर होगा। तो कहीं कहीं दिया हुआ है किसी किसी बुक में, कभी कभी रेयर केस में थ्री डिजिट का एससीएफ फाइंड आउट करने के लिए आता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, 2-3 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।